गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बरखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेन हेल थ्योरी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। अब जो वेन हेल थ्योरी है, ये जो वेन हेल्थ है, इन्होंने हमारे को बताया कि ज्योमेट्री बच्चा कैसे कैसे सीखता है, कौन कौन से लेवल हैं। ये मेनली आप थ्योरी बोलेंगे कि बच्चे को ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है सारा, जो हमारा शेप्स का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे कैसे आता है, कि कैसे बच्चा अलग से रिकॉग्नाइज करना सीखता है कि हमारा ये सर्कल अलग होता है हमारे ट्राइंगल से। तो पूरा का पूरा इन्होंने 5 लेवल दिए इन्होंने, पर फर्स्ट लेवल को लेवल 0 माना है, तो इसलिए हम लास्ट लेवल को L4 से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो अब पहले लेवल की बारे में बात करेंगे, जिसका है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में मैं एक्चुअली ये पढ़ने नहीं वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने वाली हूँ। ये आपके लिए डाले गए हैं ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकें। द विजुअलाइजेशन 0 लेवल पे। अब इस लेवल में बच्चा क्या होगा, इस लेवल में बच्चा ना आपको ये तो बता देगा कि ये जो सर्कल है ना, ये हमारा ट्राइंगल से डिफरेंट होता है। पर यहाँ पे बच्चा रीजन नहीं दे पाएगा कि सर्कल को सर्कल क्यों बोलेंगे, ट्राइंगल को ट्राइंगल क्यों बोलेंगे। कि हाँ, इतना तो बता देगा कि आपको इसके भाई पॉइंटी हैं, जो इसके लाइन है ये एंड्स लाइन से पॉइंटी हैं, ये कर्वी है, कर्व की शेप का है। तो यहाँ बच्चा सिर्फ आपको इतना बता पाएगा, इतना नहीं बता पाएगा कि भाई सर्कल को सर्कल क्यों बोल रहे हैं हम, या फिर ट्राइंगल को ट्राइंगल क्यों बोल रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन वाला लेवल है। यहाँ पे बच्चा खाली विजुअलाइज ही कर पा रहा है कि भाई हाँ, चीजों में डिफरेंस बता देगा पर आपको, कि हाँ ये शेप मैम इससे डिफरेंट जरूर है, पर रीजन नहीं दे पाएगा। इस स्टेज में बच्चा बहुत छोटा बच्चा है। इसमें फर्स्ट क्लास के बच्चों को जैसे हम ये तो बता देते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, पर उन्हें रीजन नहीं दे पाते कि भाई ट्राइंगल को ट्राइंगल क्यों बोल रहे हो, सर्कल को सर्कल क्यों बोल रहे हो। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है इसे एनालिसिस, जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं। अब लेवल 1 में क्या बता रखा है बच्चे को अब तक, बच्चा आपका पहली स्टेज में विजुअलाइजेशन में नहीं बता पा रहा था कि भाई कौन सी शेप क्यों है। पर यहाँ पे ना बच्चा आपका, जैसे अगर मैंने उसको बच्चे को रेक्टेंगल दे दिया ना, तो बता देगा कि मैम इसकी है ना आमने सामने वाली साइड है ना वो इक्वल है। यहाँ पे बच्चा प्रॉपर्टीज पे वर्क करने लग जाएगा रेक्टेंगल की, कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके 2 डायगनल होते हैं। मैम बच्चा बता देगा यहाँ आपको, इसमें बच्चा एंगल साइड डायगनल के हिसाब से डिफाइन करना स्टार्ट कर देगा एनालाइज कर करके। यहाँ बच्चा आपको बता देगा कि हाँ रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्यों है, सर्कल सर्कल क्यों है। पर अगर मैं एक बच्चे को बोल दूं यहाँ पे स्टेज पे भी कि जो स्क्वायर है बेटा, कि क्या हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होगा। यहाँ वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई हाँ एक रेक्टेंगल को भी स्क्वायर बोला जा सकता है, यहाँ एनालाइज कर रहा है वो सिर्फ एक शेप के बारे में। अगर मैंने उसको स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर बता देगा, स्क्वायर को स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, कि मैम इसकी चारों साइड इक्वल है, सारे एंगल इसके 90 डिग्री के हैं, स्क्वायर के डायगनल मैम ऐसे इक्वल होते हैं, तो ये बात बता देगा। पर आपको ये नहीं बता पाएगा बच्चा इस स्टेज में कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों लेवल्स के बारे में। अब हमारा जो लेवल 3 है, जिसके बारे में बात करते हैं। अब लेवल 3 के देखो, सबसे पहले तो इसके नाम की तरफ ही चले जाओ। इसके ना 3-3 नाम दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या? रिलेशनल, रिलेशनल ऑर्डरिंग और इनफॉर्मल डिडक्शन। कि इन तीनों नाम में से पेपर में कोई भी आ सकता है आपके लिए, पर इनफॉर्मल डिडक्शन है ना, इसको आप मैक्सिमम पेपर्स में देखोगे। अब जो आज के बाद में पेपर शुरू कराऊंगी करा रही, जैसे फेब 2016 का या उससे पहले के, उसमें आपको इस थ्योरी से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको ये वीडियो लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें बात करते हैं हमारी इनफॉर्मल डिडक्शन के बारे में। भाई इनफॉर्मल है तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, इनफॉर्मल है तो अब बच्चा आपको यहाँ बताना शुरू कर देगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमारा क्या रिलेशन है, या फिर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में हमारा क्या रिलेशन है, कि क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। बच्चा यहाँ बता देगा बिल्कुल कि क्यों हो सकता है, कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या, कि भाई बोथ साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो बच्चे ने मैच किया कि भाई जो रेक्टेंगल है हमारा, उसकी भी बोथ साइड क्या इक्वल और पैरेलल, बिल्कुल बात बन गई। और इसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके तो 90 डिग्री के होते हैं, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो आमने सामने वाले तो अपने आप ही होंगे। तो बच्चा यहाँ आपको बता देगा कि हाँ मैम, जो एक रेक्टेंगल है ना वो एक पैरेललोग्राम भी है, जो एक स्क्वायर है ना वो एक रेक्टेंगल भी है और वो एक
पैरेललोग्राम पे है। तो यहाँ बच्चा आपको ये चीज बतानी स्टार्ट कर देगा, डिफाइन कर देगा रिलेशन को आपस में इनफॉर्मली डिडक्ट कर करके। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट स्टेज मिलती है जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं वो क्या हमारी फॉर्मल डिडक्शन लेवल 3। इस स्टेज के प्लीज नाम ध्यान रखिएगा, रिलेशनल ऑर्डरिंग एंड इनफॉर्मल डिडक्शन। पर पेपर में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल डिडक्शन ही देखने को मिलेगा, बाकी दो नाम नहीं मिलेंगे। पर ये आपको पता होने चाहिए कि हो सकता है आपकी बार पेपर में आ जाए फॉर्मल डिडक्शन। अब फॉर्मल डिडक्शन 9th और 10th सबने किया है। वहां हम क्या करते थे, थ्योरम्स पढ़ते थे, डिफाइन करते थे ज्योमेट्री को, प्रूव करते थे कि भाई कॉन्गुरेंसी के रूल, सिमिलैरिटी के रूल, या फिर एक सबसे छोटा देख लो कि हम करते थे जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो दो एंगल्स हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ये करते थे प्रूफ। तो ये वही वाली बात है, यहां से बच्चा प्रूफ करना शुरू करेगा। और किस किस के हेल्प से, एक्सियम और पोस्टुलेट। एक्सियम आपको पता होगा, एक्सियम और पोस्टुलेट किसे बोलते हैं वो भी बता देती हूँ मैं। एक्सियम और पोस्टुलेट बोलते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम मान के चलते हैं वो ट्रूथ है। कि जैसे ये एक एक्सियम है कि ये जो है ट्राइंगल, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा। कभी किसी को कहते सुना नहीं 360 डिग्री हो जाएगा, इसको हम प्रूव कर लेते हैं भाई कट कट करके, पर ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसकी हेल्प से हम और चीजों को प्रूव करते हैं। ये वाली जो थ्योरम है सम ऑफ टू इंटीरियर साइड इज सॉरी एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ये भी इसी की हेल्प से प्रूव की जाती है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि सभी जो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसकी हेल्प से हम क्या प्रूव कर देते हैं कि जो इसके दो एंगल हैं अंदर के, उसका बाहर के एंगल के बराबर होगा सम। तो ये हमारी होती है स्कूल लेवल पे। यहाँ पे आपका आ गया फॉर्मल डिडक्शन। अब रीगल जो स्टेज है भैया हायर लेवल पे होती है, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाती है। जब कॉलेज में हम एनरोल करते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट जो होते हैं हमारे ज्योमेट्री के उसके बारे में पता करते हैं, तो वहां पढ़ाई जाती है। अब देखिए सिंपल सा विजुअलाइजेशन को क्या बोल रहा है, शेप। यहाँ बच्चे को शेप पता चल रही थी। अब एनालिसिस पे देखिए, क्लॉजेस ऑफ शेप्स, कि भाई शेप्स में क्या कैसे है वो उसको पता लग रहा था, कि क्लासेस ऑफ शेप्स की उसने बता दिया था, कि रेक्टेंगल को अलग से बता दिया था, स्क्वायर को अलग से। प्रॉपर्टीज ऑफ शेप भी बता दी थी कि भाई रेक्टेंगल की दो आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। फिर थर्ड, अब इनफॉर्मल डिडक्शन पे आते हैं हम, तो उसने रिलेशन बताना शुरू कर दिया था प्रॉपर्टीज के, कि स्क्वायर रेक्टेंगल का क्या रिलेशन है इन सब चीजों के उससे। फिर हमारा आता है डिडक्शन को, मतलब जो फॉर्मल डिडक्शन है डिडक्शन से ही डिनोट कर रखा है, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज। कि हमने देखा था ना, हम थ्योरम में क्या बोलते हैं कि भाई ये ऐसा बोल रहा है तो उसको प्रूव करते हैं, कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है हम उसको प्रूव करते हैं। डिडक्टिव मेथड तो आपको पता ही होता है कि हम भाई स्पेसिफिक जर्नल से स्पेसिफिक की ओर आते हैं, कि भाई ये जर्नल रूल है इससे हम इसको प्रूव कर रहे हैं। और फिर रीगर एनालिसिस ऑफ द डिडक्टिव सिस्टम, जो हमने यहाँ पे प्रूव करा वो सही कर रखा है या नहीं कर रखा है, कॉलेज लेवल पे होता है। अभी आपके पेपर में पूछा जाएगा तो ये 4 लेवल ही पूछेंगे, देख लेना आप हर ऑप्शन में, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन और फॉर्मल डिडक्शन। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा आज वेन हिल की थ्योरी। और ये जो हमारी है माइलस्टोन बोली जाती है ये आपकी ज्योमेट्री के अंदर, कि ज्योमेट्री में बच्चा कैसे कैसे सीखता है। और बहुत सही तरीके से भी समझा रखा है कि पहले विजुअलाइज करता है शेप को, उसके बाद में एनालाइज करना शुरू करता है कि शेप को ऐसा क्यों बोलेंगे, फिर रिलेशन ढूंढता है आपस में, फिर हम थ्योरम पे प्रूव करने पे आ जाते हैं कि हाँ ये ऐसी क्यों है। और ये जो इमेजेस हैं ये भी अनिल तेवतिया सर की बुक से ही ली गई हैं, जो अभी डाइट दिलशाद गार्डन में एज अ प्रिंसिपल वर्किंग है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस वेन हेल्थ थ्योरी को अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो बताइएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने आप से भी पढ़ के देखिएगा एक बार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी वेन हेल्थ की थ्योरी। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप इस थ्योरी से हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देख लेंगे अब से, जो मैं क्वेश्चन आपके कराने शुरू करूंगी। ठीक है, थैंक यू।